जाननम भूतगणादिशेवितम् कफित जम्भूफल चारु भक्षणम् उमाशुतम् शोकुबिनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम् वसुदेव सुतम देवम् कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत गुरु। अपने अपने घरन की शव का हो कॉपी रघुवीर राम कथा के रसिक तुम प्रभु भक्ति राजु मति धीर आयश्वासन लीजियो तेज पुंज कपिबीर तेज पुंज कपिबीर जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीश सुग्रीव की जय अंगद हनुमान जय अंगद हनुमान लेत सदा सुद दीन के सहज दया के धाम जननी जनिक बी के शुकी प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। वंश में थोड़े आगे चलकर के एक महाराज हुए हैं जिन महाराज का नाम है भागवत श्रोता बंधु जनो त्रिशंकु। क्या नाम है? त्रिशंकु। और त्रिशंकु का दूसरा नाम है सत्यव्रत। ये सत्यव्रत और त्रिशंकु बात एक ही है साहब। अब हुआ ये इन महाराज त्रिशंकु के भैया एक पुत्र ने जन्म लिया। थोड़ी मैं कथा और गहराई से बता दूंगा आपको। एक बार महाराज त्रिशंकु जो थे वो अपना समय यूं ही बिता रहे थे तो उन्होंने एक गाय का अपमान कर दिया। देखो गाय माँ ये हमारे बड़ी पूजनीय है। तो हालांकि अब तो खैर गति खराब है जो भी है हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं लेकिन इतना जरूर है साहब जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। अब हुआ ये तो गाय का अपमान कर दिया तो गाय के मुंह से आवाज निकल गई
अब अपमान कब कर दिया, एक किसान के खेत में गाय खा रही थी, तो महाराज त्रिशंकु ने सोचा ये गाय खाती रहेगी इसी तरीके से किसान तो बर्बाद हो जाएगा। और किसान तो यज्ञपति जी किसान होता है, जितनी दाब झींक जब किसान के कंधे पर होती है साहब, अन्य किसी के कंधे पर नहीं होती है। जो दुर्गति हमारे यहाँ किसान की अभी हो रही है साहब, और नहीं हो रही है। एक कवि ने लिखा साहब, भारत के वीर किसान की, अरे पैरन चप्पल फटी है धोती, हालत क्या बनियान की। खेतों में ये भैया पहुंच जाए तो भूख प्यास की कोई परवाह नहीं है साहब, कोई टाइम टेबल नहीं है। क्या जिंदगी जी रहा है मेरे प्यारे, इस पूरे राष्ट्र की दाब झीक जो है वो हमारे भारत वीर किसान के कंधे पर है भाई। हुआ ये तो भागवत बंधु जनों, महाराज त्रिशंकु ने सोचा होगा अगर ये किसान के खेत को यूं ही खाती रही तो हमारा तो किसान भैया बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। और इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा उसकी कमर को तोड़ दिया। अरे भैया, हालांकि मैं मानता हूं त्रिशंकु का कोई कसूर नहीं था, लेकिन दंड भी देना चाहिए तो उसका भी कोई एक नियम है। तो गाय की कमर को तोड़ दिया तो गाय के मुंह से आवाज निकल गई, तू जैसे ही अपनी पत्नी का मुख देखोगे महाराज और सोई तुम गर्भवती के रूप में आ जाओगे, तुम्हारा रूप जो है गधा का हो जाएगा। अब तो त्रिशंकु ने हाथ जोड़ लिए, मैया मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ कर दे। और जंगलों से पर्वतों से औषधि लाते हैं, उसकी गाय की कमर पर रखते हैं साहब। एक नहीं दो नहीं चार नहीं छह महीना गुजर गए और गाय की कमर को पुनः ठीक कर दिया है महाराज ने। अब जैसे ही अपने घर गए, पत्नी का मुख देखा तो महाराज गर्दभ के रूप में आ गए। अब पत्नी नहीं विचार कर पाई, बेचारी ये हो क्या रहा है, आगे आगे गर्दभ है पीछे से उनकी पत्नी भी है। अब वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां वो गाय मां रह रही थी,
गाय समझ गई है भाई आ रहे हैं, और वो मैया जो उनकी पत्नी है महाराज त्रिशंकु की, उस पत्नी को उस गाय ने मनुष्य भाषा में बेटी कहा, बेटी इधर आओ बैठो, क्या बात है? तो वो राजा की पत्नी बोली, मैया मैं बड़ी दुखियारी है, क्यों मेरी बात सुनो। आज पकड़े हाथ में हाथ दुखिया बिलखी पड़ी थी भेड़ाई में। अब क्या होगा, अब क्या होगा, शंकु की महारानी बोली, मैया ये गर्दभ नहीं है, ये मेरे अपने पति हैं, लेकिन पता नहीं ये गर्दभ कैसे बन गए हैं। तो गाय ने संतना देते हुए कहा, बेटिया इधर आओ बैठो, हम इनके बारे में तुम्हें बताएंगे, इन्हें हमारे द्वारा श्राप लगा हुआ है और 12 वर्ष तक ये गधा रहेंगे, उसके बाद एकादशी का जो व्रत पड़े उस एकादशी के व्रत के दिन अगर कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर एक लोटा जल छोड़ देगी तो इनकी पुनः मनुष्य की काया हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। इतनी बात रानी ने सुनी है तो समय को सा व्यतीत करने लगी। धीरे 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 समय यूं ही बीतता चला गया और वो समय नजदीक आने वाला है और वो रानी काशी में जाकर के पहुंची। तो काशी के राजा से जब लोगों ने कहा, महाराज एक पत्नी है, उसके साथ एक गधा है, और गधा को नहलाती धुलाती है और खुद उसे दाना घास खिलाती है, भोजन आदि बना के खाती है, राजा ने कहा ऐसी बात है तो बुलाओ बुलाओ। रानी आई, क्या बात है, ये कौन है? ये हमारे पति हैं, हमारे लिए कोई सेवा? हाँ सेवा है। क्या? बोले ये जो एकादशी का व्रत आ रहा है, हाँ हाँ, इनके एकादशी के दिन अगर आपके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो और इनके ऊपर एक लोटा जल डाल दे जी, तो इनकी काया पुनः मनुष्य की हो जाएगी। राजा ने कही, कौन सी बड़ी बात, हमारे यहां तो घर घर पतिव्रताएं हैं, घर घर पतिव्रताएं हैं। अब तो साहब राजा ने ऐलान कर दिया, जितनी पतिव्रताएं आने, अब भैया परिचय जी काउ व्यक्ति से जवाब कह दी जाए, जानवर से मनुष्य बने जाएंगे तो भीरतवा हो ही जाइए, बड़ी भीर उमड़ पड़ी। अब जो पतिव्रता आए उनके ऊपर एक लोटा जल डारे, बे गधा से मनुष्य न हो पाए, जो आए एक लोटा जल डारे, बे ज्यों के त्यों रह जाए। अब किसी के जल डालने से उनकी काया जब ना पलट भई तो नाना भांति की बातें होने लगी, न जाने कहां से ये पकड़ लाई, मेरे पति है मेरे पति, मैं तो सारी जिंदगी पति के चरणों का ध्यान करती रही और बिना मतलब से। तो भैया एक मेहतरानी भी उस जगह पर घूम रही थी, उसने कहा, बहन बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं है। बोले फिर? बोले न जाने कहां से ये गधा लाई,
और कह रही है कि हमारे ये पति हैं। तो मेहतरानी बोली, गुइया अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो हम भी थोड़ी ही अजवाइश कर लें। दो चार ने तो मना कर दिया परीक्षित जी, और दो चार ने कहा कोई बात नहीं, अगर इसने अपना अजवाइश न कर पाया तो कल हमें समाज में जीने नहीं देगी, ताने देगी, जा भैया तू भी अजवाइश कर ले। अब वो भी अपने पति का ध्यान करके जब आई लोटा में जल ले करके, और रानी का आदेश था इन्हें गधा से मनुष्य जो बना देगा हमें आधा राज्य दे देगी, ठीक है। और वो मेहतरानी जैसे ही आई है तो माता है कहने लगी हटो हटो हटो, क्यों देखो ना दूर से मेहतरान, वो पतिव्रता पतिव्रता आ रही है पतिव्रता। जब तक भक्त की होए ना हासी और तोले भगत होते नए साची। भैया वो मेहतरानी ने आकर के उनके ऊपर पति के चरणों का ध्यान करके जैसे ही वो लोटा भर के जल डाला परीक्षित जी, बात बन गई और वो गर्दभ से पुनः मनुष्य के चोला में आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। मेहतरानी से रानी ने कहा आपकी शर्त के मुताबिक हम आपको कुछ देना। हाँ बोलो महाराज। बोले क्या देना चाहती हो? बोले आधा राज। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक लोटा जल तुम्हारे ऊपर डाला है, इनके जल के प्रभाव से तुम्हारी काया पुनः मनुष्य की हो गई है। तो महाराज त्रिशंकु बोले इन्होंने एक लोटा जल मेरे ऊपर छोड़ा और ताके बदले में हमें आधा राज्य देने, ऐसा असंभव है? नहीं नहीं हो सकता। अब जबर मारे रोन न दे, जबर मारे रोन न दे। तो मेहतरानी बोली महाराज खैर आप कह रहे हो आप सबल हो, हम आपके दासी दास हैं, सेवक करते हैं, सेवकदार हैं, लेकिन इतना जरूर है महाराज ध्यान रखना, तुम अपने वचन से मुकर रहे हो और तुम्हारे वंशज आकर के प्यारे भाव श्रोता बंधु जनो। उन्होंने कहा तुम्हें इतना कार्य करने में संभव नहीं हुए, तुम्हारे जियाए हमारे यहाँ आए के न जाने कितने घड़ा पानी भरेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए सिद्ध गुरुदेव भगवान की। इन्हीं महाराज त्रिशंकु के बेटा हुए हैं परीक्षित जी हरिश्चंद। हरिश्चंद के सामने एक समस्या, उनके बेटा नहीं हुए तो महाराज बरुड़ी का यज्ञ किया गया। ये हरिश्चंद और विश्वामित्र की दुश्मनाई कहां से पड़ी? किसी के पास अगर देवी भागवत हो, हालांकि ये श्रीमद् भागवत के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा में महाराज हरिश्चंद की कथा नहीं है, ये पुराण रखा है ध्यान रखना। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा में हरिश्चंद के चरित्र की कथा नहीं है, ये तो देवी भागवत की कथा है साहब। देवी भागवत का 9 दिन के लिए अनुष्ठान अलग से होता है, लेकिन लोगों ने जोड़ दिया है। परीक्षित जी अगर हम आपके यहाँ हरिश्चंद का चरित्र नहीं कहेंगे तो लोग कीचड़ उठाएंगे, बोले वो हरिश्चंद की कथा नहीं कह के गई है, इसलिए मेरी मर्यादा है। ये हरिश्चंद श्रीमद् भागवत का विषय नहीं है साहब। हाँ केवल श्रीमद् भागवत की कथा में रोहिदास के जन्म तक कथा है, आगे है ये बिकने गए, ये सब देवी भागवत की कथा है। किसी के पास हो तो अपना अध्ययन करके देख लेना। सुनिए भागवत श्रोता बंधु जनो, अब क्या हुआ? अब ये हुआ इनके जब कोई संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी से कहा गया, तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम बरुड़ जी का यज्ञ करो, और बरुड़ जी का यज्ञ किया गया। और जब बरुड़ जी का यज्ञ किया गया मेरे भागवत श्रोता बंधु जनो, तब बरुड़ जी प्रकट हो गए, बोले बस तुम हमसे वरदान मांगो। जी हम तुमसे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, एक बेटा मेरे हो जाता, भले ही बेटा हो करके खत्म हो जाता परवाह नहीं थी, लेकिन हो जाता। बरुड़ जी बोले बेटा तो हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उस बच्चे के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद बोले मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन बेटा हो जाए, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद इनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, विद्वान ब्राह्मण ने इस बच्चे का नाम रखा रोहिदास। अब बेटा पैदा हुआ तो बरुड़ जी आ गए यज्ञ करो। हरिश्चंद बोले ये तो बात ठीक नहीं है, अभी तो बेटा भला सा हो नहीं पाया, तुम आ गए, थोड़े दिन तसल्ली करो, दोबारा आना, ठीक है। 4 दिन के बाद फिर आ गए। हरिश्चंद बोले महाराज अभी तो मेरा बेटा थोड़ा, तुम तो जल्दी आ गए, सूतक में ही है, जब ये 27-28 दिन बाद सूतक ब्रह्म हो जाएगा उसके बाद तुम आ जाना। फिर आ गए। हरिश्चंद बोले महाराज ये जलाला के जो दांत निकल जाएंगे, दूसरे दांत निकलेंगे तब हम यज्ञ कर देंगे। कैबे को मतलब है परीक्षित जी हरिश्चंद ने वरुण जी का यज्ञ नहीं किया, और उस बच्चे ने जाना तो घोड़ा की सवारी करी, जंगल के लिए प्रस्थान कर गया है।
किसी को निमंत्रण दे दो आपके यहाँ खाने के लिए आ जाए, फिर भाई बगैर भोजन करें जहां से विदा कर दे, गुस्सा ना आए। बरुड़ जी ने क्रोध किया और बरुड़ जी महाराज जी ने हरिश्चंद्र के पेट में जलोधर नाम का रोग पैदा कर दिया। ये बड़ा घातक रोग होता है महाराज। रोहितास आने के लिए उद्यत होते, देवताओं का राजा इंद्र उन्हें वापस कर देता है, जीते रहो आनंद करो, वापस कर देता है। एक नहीं दो नहीं चार बार वापस किया। तो महाराज रोहितास ने जब ये जानी मेरे पिता के अंदर ये घातक रोग है, तो उन्होंने जाकर के महाराज अजागर्त के बीच वाले पुत्र को मोल खरीद लिया परीक्षित जी, जिस बच्चे का नाम है सुखसेन, और उस यज्ञ में होता का काम कर रहे हैं विश्वामित्र जी, ध्यान रखना। अब वह आ गए, उस बच्चे के द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं, बरुड़ जी भी प्रकट हो गए और वो बालक महाराज हरिश्चंद्र के हाथों से छुटा और विश्वामित्र की गोद में जाके गिर गया। बरुड़ जी भी प्रसन्न हो गए। अब प्रश्न ये उठा, ये बालक किसे दिया जाए, ये बालक जो है दिया किसे जाए? तो मेरे भागवत श्रोता बंधु जनों, उन्होंने कहा इस बालक को अजागर्त को वापस कर दो। बोले नहीं, उन्होंने तो इस बच्चे की दौलत ले ली है, मोल खरीद दिया है। बोले तो इस बच्चे को हरिश्चंद्र को दे दो। बोले नहीं नहीं, इन्होंने तो बलि देना चाहा है। तो उस बच्चे को महाराज विश्वामित्र जी को ही दे दिया गया। बोलिए गोविंद भगवान की। और उसी दिन से विश्वामित्र जी ने यह बात की ठान ली है, हरिश्चंद्र मैंने तुझे कौड़ी कौड़ी का ना कर दिया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। यही दुश्मनाई है हरिश्चंद्र और विश्वामित्र जी की महाराज। इधर ये है देवी श्रीमद् भागवत का, यहां तक कथा इतनी है। अब यहां से हम देवी भागवत पुराण की ये कथा आगे लेकर के चल रहे हैं, नहीं तो टीका टिप्पणी कर दे महाराज ये कथा कहां से बोल रहे हो। मैं देवी भागवत की, क्योंकि भागवत की कथा में हरिश्चंद्र चरित्र इतना ही है। प्यारे भाई बहनों, एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई है, उसमें दोनों संत उपस्थित है, विश्वामित्र और वशिष्ठ। जी जब कोई अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में, अपना रिश्तेदारी में, अपने क्षेत्र में जब कोई बढ़ता है तो उस पर नाज होता है। वशिष्ठ जी के शिष्य हैं हरिश्चंद्र, वो हरिश्चंद्र बड़े धर्मात्मा हैं, और विश्वामित्र जी और हरिश्चंद्र में बहस पड़ गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम बढ़ाई उतने समय से कर रहे हो, किसकी बढ़ाई कर रहे हो? बोले मृत लोक में हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो प्राणों की बाजी दे सकते हैं लेकिन धर्म से विमुख नहीं होंगे। बोले एकाद का नाम बता सकते हो? बोले पहला नाम तो हरिश्चंद्र का ही है। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से एक बात कही, मेरी बात सुनो। सत होता है प्रति होता है, पर सीमा सब की होती है। तुम्हारे अपने घर की बातें हैं,